बीते दिन से लगातार हो रही बारिश ने आखिरकार नगर पालिका के दावों और वादों की पोल खोल कर रख दी है। नगर की कैसी तस्वीरें रही, आइए आपको भी दिखाते हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए, ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि आखिरकार नगर पालिका द्वारा किस तरीके की दुहाई जलभराव न होने को लेकर दी गई थी। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी पूरी बरसात का मौसम बाकी है। सिर्फ 24 घंटे की बारिश में किस तरीके के हालात हो गए हैं, यह किसी से छुपी नहीं है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, नगर में कई गली कई मोहल्ले में जहां जलभराव हो गया है। सिर्फ गलियों में नहीं बल्कि लोगों के घरों में भी गंदा पानी घुस गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पहले ही बारिश में नगर पालिका के दावे और नगर पालिका की ओर से कराए जा रहे नाला सफाई अभियान की पूरी तरीके से पोल खुल गई है। नगर पालिका की ओर से दावा किया जा रहा था कि इस बारिश में कहीं भी जलभराव की समस्या नहीं होगी, लेकिन महज 24 घंटे की बारिश ने नगर पालिका के इस दावे की पूरी तरीके से पोल खोल कर रख दी है। सिर्फ गली मोहल्ले और घरों में ही नहीं बल्कि थाने चौकियों में भी पानी अंदर भर गया। करहल गेट चौकी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सिपाहियों के रुकने का स्थान है। यहां सिपाही की चारपाई पड़ी है और किस तरीके से यहां जलभराव हुआ है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। स्वयं यहां रुकने वाले सिपाही कमरे से पानी को निकालते दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ यहां की तस्वीरें ही नहीं बल्कि कई सरकारी कैंपस की तस्वीरें भी हैं, जहां पूरी तरीके से जलभराव हो गया है। और कुल मिलाकर पहले ही बारिश ने नगर पालिका के कार्यों की धज्जियां उड़ाने का काम किया है। बारिश को लेकर नाला सफाई में डाली जा रही सेंध को लेकर श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के जिलाध्यक्ष शंकर सिंह भदौरिया व अन्य लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी है, आप जरा यह भी सुनिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और मैं कोई राजनेता तो हूँ नहीं, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, एक संगठन का जिलाध्यक्ष हूँ, और मैंने खुद देखा हुआ है कि सिल्ट निकाली जाती है और एक साइड में ही रख दी जाती है, और उस गंदी सिल्ट की वजह से कई सारे एक्सीडेंट ऑलरेडी हो चुके हैं। लोग परेशान होते हैं उस गंदगी से, लोगों के बीच में संक्रामक जो रोग हैं उनका संचार होने की पूरी पूरी संभावना बनी रहती है। तो जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, चाहे वो ईओ हैं नगर पालिका के या जो भी चेयरमैन हैं, उनसे मेरा ये निवेदन रहेगा कि आप इस तरीके की इस मॉडर्न युग के अंदर इतनी सारी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है, उसका उपयोग करते हुए अगर सिल्ट निकाली, गंदगी निकाली जा रही है, उस गंदगी का तुरंत के तुरंत उसका निस्तारण किया जाए और ऐसी जगह डिस्पोज ऑफ किया जाए जहां से लोगों को असुविधा ना हो। और वहीं पे मैं दूसरी बात और बोलना चाहूँगा कि इस बारिश के मौसम में, चूँकि आज बारिश हुई है और इस पहली बारिश ने ही आप मान के चलिए नगर पालिका के तमाम दावों की पोल खोल दी है कि इस बार यहाँ पर जलभराव नहीं होगा। आज आप उठा के देखिए, चाहे वो रेलवे गेट चौकी हो, वो तो एक सरकारी संस्थान है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है। बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारी कॉलोनियां हैं, वहाँ पे जलभराव हो गया है, लोग दुखी हैं और उसका वजह से जनता को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। तो मैं ये भी फिर कहना चाहूँगा नगर पालिका के लोगों से कि भाइयों, अब तो करो, अब तो प्रदेश में सरकार है, चेयरमैन भी अपना है, और भाई अब हम और क्या किया जाए। एक तरफ तो यहाँ मन की बात हो रही है, उस मन की बात में जनता के मन की बात को भी समझा जाए। जनता के मन की बात ये है कि जनता कुछ और आपसे नहीं मांग रही है, एक बेसिक सुविधाएं मांगती है। बेसिक सुविधाओं में क्या है, रोटी कपड़ा और मकान, उनको परेशानी ना हो, जल भराव ना हो, उनके साथ भ्रष्टाचार ना हो। अब भ्रष्टाचार की बात करो तो आज की डेट में तहसील वगैरह सबसे बड़े भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए हैं, कोई काम बिना पैसे के हो नहीं रहा है। तो जनता परेशान है, और आज चूंकि बारिश हुई है तो बारिश के ऊपर ही मैं फिर से बोलूंगा कि जल भराव एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है मैनपुरी के अंदर, और ये जल भराव की समस्या को तुरंत के तुरंत इसका निदान किया जाना अति आवश्यक है। अच्छा, नाला सफाई नगर पालिका जो करा रही है, क्या लगता है कि मानसून आने से लगभग अभी भी नाला सफाई अभियान चल रहा है, मानसून आने से पहले इनको कराना चाहिए था जिससे जलभराव की समस्या खत्म होती? देखिए, ये सारे काम प्री मानसून होते हैं। सरकार के यहाँ पे बिल्कुल एक गाइडलाइंस बनी हुई है इस तरीके के कामों को, टेंडर को करने के लिए जो इंजीनियर्स होते हैं उनको प्रॉपर गाइडलाइंस बनी हुई है कि प्री मानसून और पोस्ट मानसून, ये सारे काम प्री मानसून में आते हैं, उससे पहले हो जाना चाहिए था। चूंकि उससे पहले लोकसभा के चुनाव थे तो सारे राजनेता उसमें व्यस्त रहे, किसी ने इस तरफ ध्यान दिया नहीं है, और उसी की वजह से जनता उसका खामियाजा भुगत रही है।